नमस्कार सभी आत्मीय बंधुओं को और साधक परिवार को। आज एक खास सूर्य नमस्कार आपके लिए। जी हाँ, एक जनरल सूर्य नमस्कार हठ योग का प्रसिद्ध है, जो बिगनर के लिए बेहतर है, लेकिन जो एक चैलेंज देना चाहते हैं उनके लिए अष्टांग विन्यास योग का ये सूर्य नमस्कार बी, वो आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। और इसमें टोटल 17 विन्यास है और 18वां समस्थिति का पोजीशन है। विन्यास मतलब एक मूवमेंट, जो एक आसन से दूसरे आसन में जाते हैं, जिसमें सांसों को आसनों के साथ लयबद्ध करते हैं, उसको विन्यास करते हैं। और खास तौर पर इस वीडियो को मैं इसलिए जारी कर रहा हूं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, स्ट्रेंथ नहीं है, ऊर्जा नहीं है, और इस तरह की कई भ्रांतियों में वो जीते रहे। लेकिन मैं आज साफ कर देना चाहता हूँ, खास तौर पर जो जिम जाते हैं ऐसे भाइयों बहनों को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये योग का चैलेंज है कि आप इस सूर्य नमस्कार बी को ही करके देखें 5 बार, जिम का भूत भाग जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एक ओपनिंग देगा और हर तरह से एक कंप्लीट पैकेज देगा आपके स्वास्थ्य का। तो यहां पे सूर्य नमस्कार भी पहले मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूं, फिर इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। आपका जो पोजीशन होगा वो होगा पहले समय स्थिति, कि आप समय स्थिति में आ जाएं, इक्वल बैलेंस। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। एकम इनहेल, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। द्वय, सांस बाहर, उत्तान पादासन। त्रीनी, सांस लें हेड को ऊपर। चत्वारी, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासना। पंच, मूव फॉरवर्ड, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन। षष्ठ, अधोमुख श्वानासन, सांस बाहर। यहाँ पे कुछ सेकेंड का विश्राम। सांस लेते हुए राइट लेग सामने। सप्ता, वीरभद्रासन प्रकार एक। अष्टौ, सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासना। नवा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन। दशा, अधोमुख श्वानासन, सांस बाहर। एकादशा, बायां पांव वीरभद्रासन प्रकार एक। द्वादशा, सांस बाहर चतुरंग दंडासना। त्रयोदशा, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस अंदर। चतुर्दशा, अधोमुख श्वानासन, सांस बाहर। नाभि को अंदर इंगेज करें। यहाँ पर 3 से 5 सांसें रुकनी है, रिलैक्स होने का समय। पंचदशा, इनहेल, दोनों पांव एक साथ, अर्ध उत्तानासना, हेड अप। षोडशा, सांस छोड़ें। सप्तदशा, घुटना मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए समय स्थिति। तो ये आपने देखा कि टोटल 17 विन्यास। सभी जिम भाइयों के पसीने ना छूट जाए तो मेरा नाम नहीं, इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि आप योग के क्षेत्र में आइए। योग सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं करता है, मेंटली स्ट्रांग करता है, क्लीन करता है, क्लियर करता है, और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाता है। और सूर्य नमस्कार खास तौर पर ऐसे लोग जो मॉर्निंग में लेजीनेस फील करते हैं, आलस्य है जीवन में, संकल्प कमजोर है, सामर्थ्य धोखा दे देता है, ऐसे तमाम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें।
लेकिन कुछ बंधु 1008 कर रहे हैं, ये सूर्य नमस्कार तो 1008 कर भी नहीं पाएंगे, 5 से 10 में हालत खराब हो जाएगी ऐसे लोगों की। हठ योग सूर्य नमस्कार करते हैं वो भी गलत तरीके से, कोई रिदम नहीं है, कोई फ्लो नहीं है, एक दौड़ है और जहां दौड़ है वहां योग नहीं है। इसलिए ये सूर्य नमस्कार ऐसे सभी जिम भाइयों को चैलेंज है कि आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि असली योग क्या है। और यही वजह है इसे कई जगह अष्टांग विन्यास योग को पावर योग के तौर पर कहते हैं, कि जब वेस्टर्न सोसाइटी में, पश्चिमी देशों में जब योग का ये स्वरूप गया तो उन्होंने जब किया तो बोला ये योग नहीं पावर योग है, क्योंकि इससे पावर जनरेट होता है, तो इसीलिए उन्होंने इसको पावर योग कहा। योग की कोई भी विधा, कोई भी प्रैक्टिस आपके अंदर ऊर्जा पावर को बढ़ाता है, इसलिए वो पावर योग है। तो ये हो सकता है कि शुरुआत में आप इसको सूर्य नमस्कार भी को पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे, लेकिन आज आप एक दो संशोधन के साथ इसको कर सकते हैं, जिसको मैं आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सरल तरीके से, कि पहले आप समय स्थिति में रहें, यहाँ से नींद को बैंड करें और सांस लेते हुए ऊपर जाएं। अगर हाथ जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप हाथ को खोल के रखें और सामने देखें, ऊपर देखने की बजाय, फिर सांस छोड़ के जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक झुकें, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट झुकना, फिर सांस लें, हेड को ऊपर करें, दोनों पग को फिर सांस लेते हुए पीछे ले जाएं, दंडासन जो हठ योग सूर्य नमस्कार में करते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए एल्बो बेंड करें, दोनों पग एक लाइन में आप नीचे जा रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है पहले घुटना ले जाए, फिर छाती ले जाए, फिर मूव करें फॉरवर्ड और लिफ्ट करें। ये अपवार्ड डॉग है, पंजा बाहर की तरफ है, हिप डिस्टेंस पे, फिर अधोमुख श्वानासन। यहाँ पे 3-4 ब्रेथ रुकने के बाद आप अपने बाएं पंजे को हील को 45 डिग्री रखें, राइट वाले पांव को आगे रखें, यहाँ देखिए मैट पे लाइन खींची हुई है तो आपको पता चलेगा एक लाइन पे रखना है। नी को 90 डिग्री पर फिक्स करें, यानी नी ठीक एंकल के ऊपर रहे और अपर जो थाई है वो पैरेलल टू फ्लोर हो जाए, समानांतर जमीन से, और हाथ को ऊपर उठाएं, सामने देख सकते हैं, कंफर्ट है तो फिर हाथ मिलाएं और हाथ सिर ऊपर, फिर यहाँ से वापस आए, हाथ को नीचे रखें, दूसरे पांव को पीछे ले जाएं, दंडासन पुशअप कर सकते हैं या घुटना नीचे रखें, शुरुआत में इजी बनाने के लिए 90 डिग्री तक लाएं, फिर पुश फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, फिर डॉग यहाँ पे 2-3 ब्रेथ शांत हो जाए, फिर राइट लेग को देखिए, मैंने 45 डिग्री पर रखा, हील को लाइन के साथ मिलाया, लेफ्ट लेग को बढ़ाया, दोनों हील एक लाइन पे हैं, 90 डिग्री फेस के, दूरी ज़्यादा हो तभी आप पैरेलल कर पाएंगे, दूरी कम रहेगी तो पैरेलल नहीं होगी, नी आगे एकदम नहीं बढ़ना चाहिए, उससे आपको समस्याएं आएंगी। अब यहाँ से आप हाथ को ऊपर उठाएं, हिप को थोड़ा ड्रॉप करें सामने, फिर यहाँ से जाए पीछे दोनों पैर, सांस लेके आगे, सांस छोड़ के एल्बो बेंड करें, फिर पुश फॉरवर्ड करें पंजा बाहर की तरफ, आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करें, हाथ सीधा हो जाए, और फिर अधोमुख में 5 ब्रेथ, यहाँ अपने आप को शांत करें, सांसों को रिलैक्स होने दें। और मैंने अभी जंप करके आपको दिखाया था डायरेक्ट दोनों पैर को, आपको कंफर्ट नहीं है तो नी बैंड करें, आगे देखें, एक एक पैर को लाएं, फिर दूसरे पैर को हेड अप, फिर सांस छोड़ के हेड को डाउन करें, फिर नी बैंड, और यहाँ से हाथ ऊपर नमस्ते या हाथ खोल के सामने और फिर मिलाएं। लेकिन आप डायरेक्ट ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पहले हठ योग सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, उसमें त्रुटियाँ नहीं हो। मैक्सिमम लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए योग गुरु धीरज में एक विस्तार से एक वीडियो सूर्य नमस्कार हठ योग का दिया गया है, जो बिगिनर के लिए है, शुरुआती अभ्यासियों के लिए है, उसको देखें, समझें एक एक आसन को और पूरा सूर्य नमस्कार करें। कई संस्थान सूर्य नमस्कार करा रहे हैं गलत तरीके से करा रहे हैं, घुटना कहाँ रहेगा, अलाइनमेंट का ध्यान नहीं। योग ऐसे कोई सिर्फ शरीर को बेंड करना नहीं है, सही तरीका से हमको कहाँ से बेंड होगा, स्पाइन कैसी रहेगी, छाती कैसा रहेगा, शोल्डर कैसा रहेगा, नेक स्पाइन कैसे होगी,
नी और एंकल कैसा रहेगा, तमाम छोटी छोटी बारीकियों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वीडियो खास तौर पर जिम के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आप आइए योग को आजमाइए। बाहर से सिर्फ योग को मत कहिए कि ओ योग तो हमारे लिए नहीं है, इसमें कुछ पावर नहीं है, कुछ नहीं है। आप योग में आइए और फिर पावर आप देखेंगे, योग का पावर कैसे बोलता है। कोई बाइसेप ट्राइसेप नहीं है, जिम के भाइयों को रहता है बहुत बड़े बड़े मोटे सब, बहुत मजबूत जैसा दिखता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में खोखले हो रहे हैं। और योग एक अलग तरह का स्ट्रेंथ देता है। लास्ट में एक आसन के जरिए इस योग के स्ट्रेंथ को आपको दिखाते हुए मैं आज की वीडियो को यही समाप्त करूंगा। आप सभी लोग बने रहिए योग गुरु धीरज में। नोटिफिकेशन के लिए बेल को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। यहाँ देखिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, ओम ओम।